क्वेश्चन नंबर 10th, सिंगल स्टार कैटेगरी क्वेश्चन. इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड. क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ये मेरा एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ठीक है, और अगर दो किसी साइड्स को डायमीटर लेके मैं सर्कल्स बनाता हूं, क्या बनाता हूं, सर्कल्स, बड़े मुश्किल हैं बनाने, या मैं पहले सर्कल्स बना लूं वैसे, ये थोड़ा बिगड़ गया ना. कुछ ऐसे सर्कल्स बने और एक बार ए बी को डायमीटर ले लिया और एक बार किसको ले लिया, ए सी को. तो कह रहे हैं प्रूव दैट डी लाइज ऑन बी सी. मैंने दिखा दिया है क्योंकि उसने पूछा, पर ये हमें प्रूफ करना है, हमें क्या करना है, प्रूफ. अब आ जाओ गिवन में. गिवन में क्या है, यूजिंग साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड टेकिंग ए बी एंड ए सी एज डायमीटर्स, टू सर्कल्स आर ड्रॉन विच आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट्स ए एंड डी. दोनों कहां कहां मीट कर रहे हैं. टू प्रूव में डी लाइज ऑन बी सी. देखो ए पे तो कर ही रहे हैं क्योंकि दोनों ए बी और ए सी, ए इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन्स. तो मैं प्रूव क्या कर रहा है, डी कहां लाइज कर रहा है, बी सी पे. और मैं कह सकता हूं, और लिखने का तरीका, बी डी सी इज आ स्ट्रेट लाइन. और मैंने आगे भी आपको कहा था, जब भी स्ट्रेट लाइन रिलेटेड क्वेश्चन आए, जब भी स्ट्रेट लाइन रिलेटेड क्वेश्चन आए, आपने प्रूव करना है कि उसके पॉइंट के ऊपर अगर दो लाइंस, दो एंगल्स बन रहे हैं दोनों 90 डिग्री, कि लीनियर पेयर से 180 शो कर दो, तो आप प्रूव कर जाते हो कि वो स्ट्रेट लाइन है. तो मैं यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ज्वाइन ए डी. तो मैंने क्या किया, ए और डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है भाई साहब, ए और डी को ज्वाइन कर दिया. अब बड़ी मजेदार चीज, ये मैंने क्या लिया, कोई डायमीटर वाली प्रॉपर्टी पढ़ी आपने इस चैप्टर में, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ, तो ये अगर भाई डायमीटर है तो चेक करो ये जो एंगल है ये क्या होगा. अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल क्या होगा. ऑल्सो दीज आर फॉर्मिंग 180 डिग्री एंड दीज आर लीनियर पेयर, तो ये क्या होनी चाहिए. सारा क्वेश्चन आपके सामने खुला पड़ा, समझ गया कि नहीं. अब आ जाओ उसके प्रूफ में. एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल इन अ, हाँ जी बेटा, एंगल एडीसी इज इक्वल टू, फिर से एंगल इन अ, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, एड. एडीबी प्लस एंगल एडीसी इज इक्वल टू, बट दीज आर, दीज फॉर्म अ लीनियर पेयर, देयरफॉर बीडीसी इज अ स्ट्रेट लाइन. और बेटा अगर ये स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर डी लाइज ऑन डी, कहां लाइज कर रहा है, समझ आ गया सबको, करिए जी.